एक तरफ से फायर ब्रिगेड और दूसरी तरफ से हमारी एनिमल रेस्क्यू टीम एक ऐसे बैल को बचाने के लिए भागे जा रही है जिसके बारे में हमें सिर्फ ये बताया गया था कि वो एक पुल से नीचे गिर गया है। उसे किसने घेरा और क्यों घेरा ये अभी मालूम नहीं था। इन्हें धक्का लगाया, नीचे गिर गया। वो दोनों ऐसे मारा, एक गाड़ी तोड़ दी इन्होंने। दो बैल थे, वो आपस में लड़ रहे थे और एक नीचे और एक भाग गया। रात का पड़ा हुआ है ये, तो ये पानी में इस जगह में फंसा हुआ था। फिर हमने पत्थर पीछे किए सारे, फिर निकाला। फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे और 5-7 लोग हम लगे हुए थे। नीचे वाली लात में ज़्यादा चोट है इसको, चेक कर रहे हैं अभी वो ना। हमारी टीम का मौजूद होने का वहाँ पे प्राथमिक मुद्दा ये था कि इस बैल का रेस्क्यू एफर्ट शुरू होने से पहले हम उसको थोड़ा पेन रिलीफ दे दें। पाइन गई है शायद, ऊपर से गिरा है ना, पाइन टूट गई है बीच से, उसका भाई पेन किलर लगा रहे हैं। हम में से शायद ही कोई जानता है कि इतनी ऊंचाई से एक सख्त पथरीली जमीन पर गिरना कैसा महसूस होता होगा, पर एक अंदाजा लगाने के लिए आप सोच सकते हैं कि एक बुलेट मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाके एक दीवार से टकरा जाए तो जो उस मोटरसाइकिल का हाल होगा वही इस बैल का अंदर से हाल था। तो निकालेंगे कैसे? अब रस्सा रुस्सा डाल के देखते हैं, जेसीबी आ गई है तो उसको ऊपर सुरक्षित स्थान पे हम जो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके आइए आइए, जेसीबी आई है। बहुत से लोग अपनी सेफ्टी का सोच के दूसरे की मदद करने के लिए आगे नहीं आते, पर मैं आपको एक बात बताऊं, जिस समाज में लोग दूसरे की मदद करने के लिए खतरा उठाने को तैयार हैं, सेफ वही समाज है। बहुत बारी में एक इमरजेंसी की स्थिति में चाहे हम किसी पशु की मदद कर रहे हो या इंसान की, हम मदद करने की जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि हमारा उनको हिलाना उनके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और दर्दनाक भी। इस बैल को तो खैर हम किसी इंसान की तरह इसकी पीठ सीधी रखते हुए स्ट्रेचर पे शिफ्ट नहीं कर सकते थे, पर हम ये सुनिश्चित कर सकते थे कि रेस्क्यू एफर्ट के दौरान इसको दर्द कम से कम हो। वैसे तो अपने हॉस्पिटल के लिमिटेड स्पेस में हम वही बीमार पशु लाते हैं जिनकी हम कुछ मदद कर सकते हैं, पर क्योंकि आखिरकार हमारा मुद्दा दर्द कम करना है तो हम इसको भी साथ ले जा रहे हैं ताकि इसके अंत तक हम इसकी पेन मैनेजमेंट को जारी रख सकें। पशुओं के प्रति हमारा रवैया थोड़ा विचित्र है। एक तरफ हमारी अपेक्षा उनसे किसी समझदार सभ्य इंसान वाली है कि भाई ना वो किसी के खेत में घुसेंगे, सड़कों पे ट्रैफिक नियमों का वो उल्लंघन नहीं करेंगे और ना ही किसी से लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन जब बात आती है कि हमारा इनके प्रति क्या व्यवहार है तब हमें लगता है कि भाई इनको मारने पीटने में, इनका शोषण करने में, इनको खाने में गलत ही क्या है, ये कोई इंसान थोड़ा ही है।